आसिम भाई सलीम मोहम्मद रऊफ इस्माइल कुरैशी मोहम्मद खाजा अजीज इब्राहिम आया था नहीं थे आप कहाँ पे कहाँ पे वो कुछ देने के आस्ते आ रहे थे क्या अच्छा अच्छा ऐसा कुरैशी का आएगा देखिए शकील कुरैशी शायर अच्छा भाई ठहरो अच्छा करवाइए
हेलो अंदर है ना जनाने का इंतजाम अखित भाई जनाने का अंदर क्या करते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह आज बतारीख 21 मार्च बरोज़ इतवार बामुखाम खाजा फंक्शन हॉल रमनासपुरे में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। हमारे बिरादरान इस्लाम और महल्ले की जानिब से ये आवाज़ दी गई है कि मासूम बच्चों के अंदर जो बीमारी है तिलिस्मिया स्किल बीमारी, उसके लिए खून इंतहाई अहम चीज़ होती है। तो खून का अतिया देने के लिए ख़ास तौर पे हमारी बस्ती के रशीद साहब, एजाज साहब और उनके तमाम दोस्त व रफीक़ा कुरेज बिरादरी से रफ़ पैदा करें कि यहाँ पर रमनसपुरा, कामाटीपुरा, बिलाल नगर, अतराफ व अकनाफ में कुरेज बिरादरी की काफ़ी बड़ी तादाद है। तो इस वजह से मर्द व ख़वातीन के लिए खून के डोनेशन का कैंप लगाया गया और ख़ास तौर पे कुरेज बिरादरी और कुरेशी नौजवानों के लिए मसलख पे सलाटर हाउस पे एक हफ्ते से इसके लिए मीटिंगें जारी थी। इंशाल्लाह आज मैं बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि बिरादरान कुरेश के नौजवानों ने बहुत ही अमली तौर पर हमारा साथ दिया। हमारे कम वक्त की एक आवाज़ में हमारे बिरादरान कुरेश ने यहाँ पर शौक दरजोश से आकर अपने अपने खून का अतिया दिया और हमारे सदर मोहतरम और जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी इसके लिए काफ़ी एक काम की सराहत की और तमाम बिरादरान कुरेश ने सुबह से यहाँ पर कैंप पर सिलसिला जारी है। और मैं समझता हूँ 95% बिरादरान कुरेश के नौजवान और उम्र शिदा तमाम लोग यहाँ पर आकर जो है सो खून का अतिया दे रहे हैं। और मैं जब भी मिल्लत इस्लामिया से कोई आवाज़ दी जाती है तो सबसे पहले बिरादरान कुरेश ने, चाहे वो सियासी हो या मजहबी हो, हर मौके पर मिल्लत इस्लामिया का साथ दिया। रिलीफ के मामलात हो या फिर सुन्नत इब्राहिमा के मसले में खतना कैम्प का सिलसिला गुज़िश्ता 10 साल से जारी है तैयबा फंक्शन हाल में। इंशाल्लाह इस साल भी हालात अगर साजगार रहेंगे तो हम ज़रूर तमाम बिरादरान इस्लाम के लिए मुफ्त खतना कैम्प का इनखाद अमल में लाएंगे। साबिका में भी कई मासूम बच्चों के लिए खतना कैम्प का इनखाद अमल में लाया गया और मैं तमाम मुंतजमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे अपील करता हूँ कि आइंदा रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज़ीज़ हाज़रीन व सामईन व नाज़रीन, ख्वाजा फंक्शन हॉल रमनसपुरा नियर ज़ू पार्क बहादुरपुरा हैदराबाद, आज 21 तारीख बरोज़ इतवार ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से अब तक तकरीबन 50 से ज़ायद अफराद अपना ब्लड डोनेशन कर चुके हैं और मैं दीगर नौजवान हजरात से पुरखलूस अपील करता हूं कि वो भी बढ़ चढ़ कर इसमें ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा ले और मासूम बच्चों की जान बचाने की सर्विस में वो भी अपना हिस्सा कुछ डालें। इसका अजर सवाब दुनिया में भी मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला आखिरत में भी मिलेगा, क्योंकि इसलिए कि किसी की जान की हिफाजत करना सारी इंसानियत की हिफाजत करने के बराबर है। यकीनन आपका खून ज़ाय नहीं जाएगा, आपका खून ये अल्लाह ताला की अमानत है और ये फ्री सर्विस में मासूम बच्चों को पेश किया जा रहा है जो थैलेसीमिया मरज़ में मुबतला है। ता हयात और ज़िंदगी भर उनको खून की ज़रूरत पड़ती है।
जिनके जिस्म में खून नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता है, हर 15 रोज़ में हमें खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। और आज ये ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया है, जहाँ पर कसीर तादाद में लोग आ रहे हैं। और मैं पुरखलूस नौजवानों से फिर एक दफ़ा अपील करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि वो बढ़ चढ़ कर इस कैंप में हिस्सा लें और अपना तआवुन पेश करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला और दीगर मुकामात पर भी वक्त और हालात के लिहाज से कैंप वरहमतुल्ला। ये मैं मुबारकबाद देता हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन को जो थैलेसीमिया मर्ज के लिए इतना बड़ा इकदाम किए हैं। बहुत मुबारकबाद के काबिल हैं कि ये जो इंसान की जान बचाने, ज़िंदगी बचाने के लिए इतना बड़ा जो इकदाम किया गया है, ये काबिल मुबारकबाद है। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हर इंसान के अंदर ये जज्बा पैदा करे और जो इस तरह से ये काम कर रहे हैं इंसानियत के लिए, और एक एक आदमी के खून देने की वजह से एक बच्चे की ज़िंदगी 15 दिन तक बाकी रह सकती है। तो मैं इस चीज़ को पेश नज़र रखते हुए तमाम आवाम से जो इस चीज़ वीडियो को देख रहे हैं और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही, तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आगे बढ़कर लोगों की ज़िंदगी के बचाने के लिए काम करें। और इस्लाम इस बात की बहुत पुरजोर तरीके से तालीम देता है कि इंसान के बचाने के लिए, चाहे किसी भी मज़हब का हो, इंसानियत के बचाने के लिए कदम उठाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मैं इन ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, और अल्लाह ताला हम तमाम को तौफीक दे के इस काम में और आगे बढ़े। और खून का जो डोनेशन, खून का अतिया देने में जो ये काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला हम तमाम को तौफीक दे के ऐसे कामों में आगे बढ़े। एक साथ ही साथ एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि इस्लाम, शरीयत इस्लामिया में खून देने की इजाज़त है, लेकिन बाज़ जगह जो गुर्दों का या जिस्म के कोई और हिस्सों का जो डोनेशन दिया जाता है, वो बिल्कुल शरीयत इस्लामिया में इसकी ममानियत है, ये नहीं करना चाहिए। अलबत्त खून का जो है इसकी इजाज़त है, इसको बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। इसमें खुद अपनी खुद भी सेहत होती है और सामने वाले को भी अपने खून से सेहत का एक ज़रिया बनता है। लिहाजा मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए तमाम साथियों का भी शुक्र अदा करता हूँ। और ये ख्वाजा फंक्शन हॉल रमनसपुरे में फिलवक्त ये कैंप रखा गया है और 5 बजे तक चलेगा। जो जो अहबाब इस वीडियो को देखेंगे और जल्द से जल्द कोशिश कर यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ ताकि आपसे भी इस्तेफादा हासिल किया जा सके।